फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन किसी न किसी स्टार के साथ फ्रॉड होने की खबर सामने आती रहती है अब लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर रह रही बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एक फ्रॉड केस की वजह से खबरों में बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड से अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रिमी सेन की एक्ट्रेस एक ऐसा जाना माना नाम है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है रिमी के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है खबर है कि रिमी सेन के साथ उनके किसी दोस्त ने करोड़ों की धोखाधड़ी की है हालांकि रिमी के साथ ये धोखाधड़ी दो साल पहले हुई थी रिमी सेन ने अपने दोस्त रौनक व्यास के खिलाफ मार्च 2022 में पुलिस में मामला दर्ज कराया था जिसमें उन पर चार करोड़ चौदह लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था लेकिन अब वो इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट ले गई हैं एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि केस को आगे बढ़ने में दो साल क्यों लग गए उन्होंने कहा मेरी फाइल गुम हो गई थी ये तब हुआ जब खार पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर किया जा रहा था एफ के लिए तीन से चार सीनियर अधिकारियों के सिग्नेचर की जरूरत होती है इसलिए अगर आपकी फाइल खो जाती है तो आपको प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा और शुरुआत से सिग्नेचर हासिल करने होंगे इसमें दो साल लग गए रिमिसेन ने बताया कि तीन से चार साल पहले आरोपी शख्स से उनकी जिम में मुलाकात हुई थी धीरे धीरे आरोपी एक्ट्रेस का दोस्त बन गया वो जिम के बाद एक्ट्रेस के घर भी आने लगा जब दोस्ती गहरी हो गई तब आरोपी ने एक इन्वेस्टमेंट प्लान का लालच दिया उसने कहा कि अगर एक्ट्रेस उसके साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करती है तो वो उन्हें उनके पैसे 30 से 40 फीसदी इंटरेस्ट के साथ लौटाएगा जिस पर रिमी सेन मान गई वहीं फरवरी 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक उसने एक्ट्रेस से चार करोड़ चौदह लाख रुपए ले लिए हालांकि जब एक्ट्रेस ने उससे पैसे वापस मांगना शुरू किया तब उसने एक्ट्रेस के कॉल्स को उठाना बंद कर दिया रिमी सेन ने अपने लेवल पर जांच करवाई तो उन्हें पता चला कि उसने जिस बिजनेस के लिए पैसे लिए थे वो बिजनेस शुरू ही नहीं किया था एक्ट्रेस को ये भी पता चला कि वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा ठग है और गुजरात में भी उसके खिलाफ कई केस दर्ज है ऐसे में एक्ट्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई अब सीआईडी की यूनिट नाइन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है रिमी सेन ने करीब डेढ़ साल पहले एफआईआर दर्ज कराई थी रिमी सेन की बात करें तो बतौर एक्ट्रेस रिमी सेन ने हिंदी सिनेमा की कई शानदार मूवीज में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है रिमी सेन ने बागबान धूम गर्म मसाला क्योंकि फिर हेरा फेरी और गोलमाल, फन अनलिमिटेड जैसी फिल्मों में काम किया है फिलहाल रिमी सेन फिल्मी दुनिया से दूर है इस खबर में इतना ही